हमें कोहली और पंटवा, हमें देखो हमारी टीम की बैटिंग देख के दूसरी टीमें थर थर कांप जाती है। मैं भैया देखा है हरमनप्रीत ने कर दिया कमाल ना भैया, 95 रन मारे हैं, 10 चौके और उसमें 5 छक्के भी शामिल थे, और इस्तिका ने भी बढ़िया बैटिंग करके उठाओ 190+ रन चेज कर लिया। हमें गजब में भैया, गजब में यार के रोहित भाई, हमें तुम्हारी यार लड़कियों ने तो कटे यार दमदार बैटिंग की है कलियर में, शानदार हमने देखा है, हरमन दीदी के छक्के मार रही थी यार बाद में बताओ, हमने तो सोचा था गुजरात वाले आसानी से मैच जीत रहे भैया, देखते देखते वक्त बदल गए, हालात बदल गए हैं। अरे रोहित भैया, मुंबई इंडियंस को दोबारा चैंपियन बनाना है, नहीं तो अंबानी नीता अंबानी चाची हमारे पीछे पड़ जाएंगी कि हाँ तभी तो हमने इतनी घातक बैटिंग की है, जैसे सब लोग बल्लेबाजी करते हो तुम लोग ना वैसे हमने छक्के और चौके मारे हैं कल के मैच में। हाँ अरे हाँ हाँ भाई हरमन, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं, वो नीता अंबानी चाची भी खुश रहेंगे और उसके साथ में वो अंबानी चाचा भी खुश रहेंगे, कहें कि इस बार पहले पांडुरंगा को कैप्टन बना दिए हैं, जीतेगी तो मुंबई इस बार चैंपियन बनेगी दोनों तरफ से, हाँ और पंटा तो तैयार कर अपनी टीम इसको। हाँ अरे देख रहे हो पंडित जी, नहीं देख रहे हो इन लोगों को, पिछली बार हम फाइनल में हार के आ गए थे इन लोगों से, मुंबई वालों से, इन लोगों ने तो अपनी दिल्ली वाली टीम को हल्के में ही ले लिया है, बताओ हाला हम लोग इतने बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी कहीं गिने ही नहीं जा रहे हैं। अरे मेरी जान काब कहाँ गई, मैं अगले इनिंग गिरी, तुम पहले ये बता दो हमको, मेरी जान काब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और भाई ये सब बात छोड़ो, तुम लोग खाली खाली अपने खेल पे फोकस करो, इस बार दिल्ली और मुंबई का फाइनल दोबारा से होने वाला है। हाँ अबे वाह वाह बस ससुरी के में नहीं हुआ, हमें रोहितवा और ससुरी की पंटवा, हमें तुम ही लोग ससुरी के हमेशा जीतोगे फाइनल खेलोगे में, हाँ हमें तो हमारी आरसीबी की मेन टीम ना कभी फाइनल में जाए और ना वुमेन टीम जाए, मैं नहीं चाहते क्या तुम लोग बस ससुरी के। हाँ हमें भैया देख, मैं कोहली हमें हम लोग तो यही चाहते हैं जो बढ़िया खेले वही जीतेगा, हमें भैया तुम्हारी टीम बढ़िया खेलेगी तो तुम्हारी टीम भी फाइनल में जा सकती है, लेकिन हमारी टीम तो पक्का जाएगी भैया, कोहली भाई करी गई एक मैच और जीतेगी सीधा फाइनल में, कहें कि WPL में एक टीम जो टॉप पर रहेगी सीधा फाइनल में जाएगी, देखो गुजरात को कितनी बुरी तरह हराया मुल्तक गया। अरे देखो रोहित जी, ये सब ठीक नहीं हुआ समझे, तुम लोगों के आगे पीछे देखना चाहिए तुम लोगों को, बताओ हमारी टीम का पहले तो खाता नहीं खुला था 3-4 मैचों में, उसके बाद में हम लोगों ने कतई RCB को किसी तरीके से हरा के खाता खोला, फिर तुम्हारी टीम मुंबई ने हमको हरा दिया 150-200 रन बनाने के बाद। हमें भैया कोहली, हमें यार तुम्हारी जो फैंस आर्मी तुम्हारी RCB की ना भैया, वो बहुत बद्दुआ दी है, मैं हमको लग रहा है गुजरात को वही लग गई है, क्या नाम है तुम्हारा, एशली गार्डनर, अरे तुम लोगों का तो खाता नहीं खुल रहा था वैसे, हाँ कहीं कतई एक मैच जीत भी गए तुम लोग, कम से कम बेइज्जती होने बच गई, यहाँ उसी में खुश रहो। हमें हाँ मैं ससुरी के, तुम तो हमारी गिनती ही नहीं कर रहे हो RCB वालों की, तो तुम लोगों को बद्दुआ ही मिलेगी, हाँ हमें समझ जाओ अभी मौका है समझे, और खास करके रोहितवा तू में हमें समझा दे अपनी लड़कियों को, बहुत खतरनाक खेल रही है, और खास करके तुम्हारी इस्तिका भाटिया ओपनिंग करते ही चीर फाड़ देती है। हाँ अरे कोहली भैया, हम तो दुआ बद्दुआ किसी की नहीं मानते हैं, हम तो भैया अपना काम करते रहेंगे, अपनी बैटिंग करते रहेंगे, बाकी जीत हार ऊपर वाले के हाथ में, फाइनल में तो जाएंगे हम।